2117 के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राज। देखो भाई साहब, अभी क्या सीन है आपको तो पता ही है। 14 अप्रैल तक देश बंद है, पूरा पूरी लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। अपने घर से आप ना निकलो तो ही बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप अपने घर से निकलने की कोशिश करना। तो इस मुश्किल घड़ी में हमारी सरकार हमारे साथ है। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अब बहुत से लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जाना चाहते हैं बट उनको मुश्किल हो रहा है जाने के लिए, ऐसे भी निकलने के लिए नहीं कहा गया है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मानो पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हम राशन खरीद नहीं सकेंगे अगर पैसे नहीं लेंगे तो। हमारे निकट में ATM है लेकिन हम वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा मानो ट्रांजेक्शन लिमिट ख़त्म हो गया या फिर हमें चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कुछ कुछ नए रूल्स यहाँ पर लागू किए गए हैं। अगले 3 महीनों तक आप देश भर में किसी भी बैंक का ATM कार्ड लेके किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक ATM कार्ड है तो आप अपने देश भर में कहीं भी किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हो। आपको कोई भी उस पर चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। जो आपके ट्रांजेक्शन लिमिट होता था कि आप 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा अगर निकालोगे पैसे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा, वो सीन अब खत्म हो गया अगले 3 महीनों के लिए। प्लस आपको इस दौरान आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो भाई साहब, अभी क्या है कि सभी लोग घर पे हैं तो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ कुछ लोगों को पेमेंट भले मिल जाएगा सरकार की तरफ से या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस से रिलेटेड थे, जिनको अपना बिजनेस अपना दुकान बंद करके घर पे रहना पड़ रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि अभी इस दौरान आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी उसके लिए चार्जेस नहीं देना पड़ेगा अगर आप फेल हो जाते हो तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इसके बाद इनकम टैक्स फाइलिंग का जो डेट था 31 मार्च 2020 तक का, उसे यहाँ पर एक्सटेंड करके 30 जून तक का कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस दौरान अभी लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा आप GST फाइलिंग डेट में भी यहां पर 30 जून तक का कर दिया गया है, जो कि आप मार्च अप्रैल मई के GST फाइल अगर कोई करना चाहेंगे तो वो 30 जून तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आधार पैन लिंकिंग के लिए भी यहां पर डेट को एक्सटेंड करके 30 जून तक का कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी हो आप वहीं पर रहो, लॉकडाउन का पूरा पूरी यहाँ पर पालन करो, घर से बाहर ना निकलो, बहुत ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलना। और सरकार की तरफ से यहाँ पर पूरा पूरी राहत पैकेज का व्यवस्था किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। दिक्कत तो होगा, परेशानी तो होगी यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर हम सभी लोगों को मिलकर लड़ना है, अपने घर पर ही रहना है। तो इसी बात के साथ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक दे देना। आप क्या सोचते हो इस लॉकडाउन के बारे में, क्या यहां पर सीन हो रखा है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट कर देना। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता है एक और फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद। yes.